किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसानों ने पंजाब में दोबारा आंदोलन शुरू किया है, केंद्र और राज्य सरकारों के हालात और नीयत ठीक नहीं, ऐसे में जगह जगह आंदोलन शुरू होने की संभावना से इनकार नहीं किया सकता। बुधवार को हरियाणा में करनाल जिले के सौकड़ा गाँव पहुँचे राकेश टिकैत ने यह बात कही। उन्होंने यहाँ आयोजित किसान अधिवेशन में भाग लिया। इस प्रोग्राम में संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा भी की गई। जी हाँ, आपको बता दें, टिकैत ने कहा कि किसान अधिवेशन है जो अहम कार्यक्रम होता है, आगे भी लगातार मीटिंग होती रहेगी, इसमें संगठन को लेकर चर्चा की गई है, साथ ही किसानों पर बात की गई है और गेहूं के मुद्दे पर ही योजना बनाई गई है। टिकैत ने कहा कि हाँ, पंजाब में किसान आंदोलन पर बैठ गए हैं, सरकार के हालात खराब हैं, अब तो जगह जगह आंदोलन होंगे। यदि सरकार ठीक नहीं कर रही, पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो ऐसा करना पड़ेगा। सूचना मिलते ही किसान इकट्ठे हो जाते हैं, इससे पता चलता है कि ये वे आंदोलन के मूड में हैं। सरकार लगातार वादा खिलाफी कर रही है, पर बोलती कुछ है करती कुछ है, घोषणा पत्र में जो होता है उस पर काम नहीं करती। जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कहा था कि बिजली फ्री देंगे, लेकिन फ्री नहीं की, रेट आधे कर दिए और मीटर बाहर लगवाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।